नमस्कार, सूचना एवं जनसम्पर्क विभागको नेपाली समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म कल्पना छेत्री, प्रस्तुत छन् अहिलेसम्मका समाचारहरू। राज्यका मुख्यमन्त्री श्री प्रेम सिंह तामाङ 23 फरवरी दिन दक्षिण सिक्किम स्थित रोलु मन्दिरको दर्शन गरेर गुवाहाटी प्रस्थान गर्नुभयो। उहाँ 24 फरवरीको दिन दिगो विकास लक्ष्यमाथि गुवाहाटीमा आयोजित बैठकमा सहभागी बन्नुभयो। यस बैठक पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मन्त्री जितेन्द्र सिंहको अध्यक्षतामा गुवाहाटीस्थित असम प्रशासनिक भवनमा भएको थियो। बैठकमा मुख्यमन्त्री पीएस गोलेले अरुणाचल प्रदेशका मुख्यमन्त्री पेमा खाण्डु, त्रिपुराका मुख्यमन्त्री विप्लव कुमार देव, मिजोरमका मुख्यमन्त्री पुजोरम थाङ्गा र नागाल्यान्डका योजना समन्वय तथा भू राजस्व मन्त्री निवा क्रोनसँग पनि विभिन्न विषयमा चर्चा गर्नुभयो। मुख्यमन्त्री श्री पीएस गोले पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा पनि सहभागी बन्नुभयो। सिक्किमका राज्यपाल श्री गंगा प्रसादले 23 फरवरी दिन नयाँ दिल्लीमा स्वामी सहजानन्द सरस्वतीको 131 जन्म जयन्ती समारोहको उद्घाटन गर्नुभयो। राज्यपालले देशको प्रगति र विकास ल्याउनमा दिएको स्वामी सहजानन्द सरस्वतीले दिएको योगदान र समर्पणलाई सम्झना गर्नुभयो। यस अवसरमा केन्द्रीय मन्त्री अश्विनी कुमार चोम्बे, सिक्किमका पूर्व राज्यपाल श्री बीपी सिंह तथा अन्य गणमान्य नागरिकहरूको उपस्थिति रहेको थियो। स्किल, स्केल एन्ड स्पीड, बहुत बड़े स्केल पर सोचने की आदत देश में खड़ी करनी होगी, उसको पूरा करने की आदत बनाने की। दिनों दिन प्रगति की नई गति पाकर भारत उन्नति की बुलंदियां छू रहा है। समाज के हर वर्ग, हर क्षेत्र का व्यक्ति अगर अपने पूरे दमखम लगन से देश के विकास में अपना योगदान दे तो भारत उत्कृष्टता और उन्नति की नई बुलंदियां छू सकता है। पर जरूरत है अपने हुनर को पहचानने की और उसे भारत के विकास में लगाने की। व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। 125 करोड़ भारतीय कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते जाएं, साथ आएं, कर्तव्य निभाएं। चौबीस फरवरी दिन सिक्किमका लोकसभा सांसद श्री इन्द्रहाङ सुब्बाले दक्षिण सिक्किमको चेम्चे स्थित इन्डियन हिमालयन सेन्टर फर एडभेन्चर एन्ड इको टुरिज्म इन्स्टिच्युटमा आयोजित राष्ट्रिय एकीकरण शिविरको उद्घाटन समारोहमा अंशग्रहण गर्नुभयो। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै सांसद सुब्बाले शिविरको हिस्सा हुनु पाएकोमा हर्ष व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले कार्यक्रमको विषय एक भारत श्रेष्ठ भारतमाथि बोल्नुहुँदै यस विषयलाई आत्मसात गरेर हिँड्ने सबैलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले देशका युवा वर्गको हातमा जुन जिम्मेवारी छ त्यसबारे उल्लेख गर्नुहुँदै युवा वर्गले सकारात्मक सोच लिएर देशको कौशलपूर्वक परिचालन गर्नुपर्ने मन्तव्य व्यक्त गर्नुभयो। कार्यक्रममा नेहरू युवा केन्द्र एनआईके संगठनका बोर्ड अफ गभर्नरकी सदस्य सुश्री माधवी अग्रवाल, सिक्किम नेहरू युवा केन्द्रका निदेशक शिवाशिष ब्यानर्जी, दक्षिण जिल्लाका अतिरिक्त जिल्लापाल सत्यन के प्रधान, नाम्ची नेहरू युवा केन्द्रकी जिल्ला समन्वय मुस्कान राई, अधिकारीगण साथै स्थानीय मानिसहरूको उपस्थिति रहेको थियो। पश्चिम सिक्किमको मार्तम प्राथमिक विद्यालयमा आयोजित 10 दिवसीय ग्याल्पो लोसार समारोह 23 फरवरी दिन विशेष कार्यक्रमका साथ समाप्त भयो। समापन समारोहमा मन्त्री तथा गेजिङ बर्मेकका क्षेत्र विधायक श्री लोकनाथ शर्मा मुख्य अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो भने विशिष्ट अतिथिको रूपमा ऊर्जा तथा बिजुली विभागका मन्त्री श्री एमएन शेर्पाको उपस्थिति रहेको थियो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र विश्वकी प्रथम महिला मेलानिया ट्रम्प 24 फरवरीको बिहान अहमदाबाद हवाई अड्डा पुगे, जहाँ प्रधानमन्त्री मोदीले उहाँलाई स्वागत जनाउनुभयो। सोही दिन साँझ ट्रम्प परिवारले आगरास्थित ताजमहलको अवलोकन गरे। अहिलेलाई यति नै, अन्य समाचारहरू लिएर हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेलाई भने बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार।